नमस्कार, फिलहाल पहुंचा हूं कैथल के बीआरडीएम पब्लिक स्कूल में, जहां बच्चों ने अपने हुनर से और टीचर्स के ज्ञान से साइंस एग्जीबिशंस का आज प्रदर्शनी लगाई गई है। लेकिन प्रदर्शनी किस तरह की है, बच्चों ने किस तरह से अपने हुनर से अपने ज्ञान से इस एग्जीबिशंस को लगाया और मॉडल बनाए हैं, एक से बढ़कर एक अद्भुत मॉडल है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन मॉडल किस तरह के हैं, किस तरह से बनाए गए हैं, इन तमाम बातों पर जानेंगे तमाम जो बच्चे यहाँ पहुंचे उनसे, और मॉडल के ज्ञान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना का जरूरी जो मानते हैं इस प्रदर्शनी को लेकर, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वरुण जैन, उनसे जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, और जो मौके पर पेरेंट्स पहुंचे हैं बच्चे हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शनी को लेकर, और किस तरह से ये तमाम मॉडल जो है इन बच्चों ने तैयार किए। चलिए आप देख लेते हैं तमाम बच्चों का क्या कुछ कहना है। हमारे बच्चों ने बहुत खूबसूरती से अपने मॉडल तैयार किए हैं। यहाँ पर है सिक्योरिटी अलार्म, और यहाँ पर बच्चों ने बनाया है लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, और ये है रेन डिटेक्टर कि किस तरीके से जब रेन आती है और उसको वो डिटेक्ट कर सकती है। ये है ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज कितना है और उसको कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये अर्थक्वेक है कि किस तरीके से जब अर्थक्वेक आता है और हमें किस तरीके से पता लग जाता है। ये हमारा स्मार्ट सिटी का पूरा लंबा चौड़ा मॉडल दिया गया है कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी वर्क करती है। ये फायर डिटेक्टर है कि अगर हम घर में सोए हुए हैं और घर में आग लग जाती है तो किस तरीके से फायर डिटेक्टर आपको समय रहते सचेत कर सकता है। यह है रडार, है रडार सिस्टम दिया गया है कि किस तरीके से अगर कोई हमारी दुश्मन एनिमी हमारे ऊपर कोई हवाई अटैक करती है तो वो रडार सिस्टम आपको सूचित कर देता है कि ये आपके ऊपर हमला हुआ है। और ये हमारा मॉडल है हमारा इरिगेशन, ये है इरिगेशन सिस्टम है, वाटर इरिगेशन सिस्टम जिसमें प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर हमारा है न्यूक्लियर प्लांट, आज के टाइम में न्यूक्लियर की बहुत ज्यादा पावर प्लांट की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये बच्चे ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ये है यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी काम करती है। ये यहाँ पर है डायलिसिस, आज के टाइम में डायलिसिस का बहुत ज्यादा क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही है और डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमारा है सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम कि किस तरीके से हम इरिगेशन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमारा जो है कि किस तरीके से स्पीड ब्रेकर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं। My name is Vansh, we are from 8th standard. Today we are going to tell about solar power irrigation system. मैं आपको एक सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि सोलर पावर प्लेट है और ये सूर्य है, ये सूर्य के ताप से हमारी जो है बिजली पैदा करेगी और वो बैटरी में ट्रांसफर होगी। जैसे ही वो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो वो आपको अलर्ट करेगी इस अलार्म से, और इसके बहुत से लाभदायक फायदे है कि आपको फ्री में बिजली प्राप्त होगी। आप इसको एक चीज के लिए ही नहीं बल्कि अनेक चीजों के लिए यूज कर सकते हो, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल, बिल्डिंग या अन्य काम के लिए। We are from 9th standard. Today we are here for science exhibition. Our topic name is radar. Firstly, Mukta will explain radar. Radar होता है radio detection and ranging. Radar से हम height को माप सकते हैं, जितनी height पर हमारा plane उड़ रहा है। अब आगे दिव्या आप बताएगी कि ये example हमारा क्या है। Radar काफी सारे fields में use होता है, जैसे कि हो गया military, हो गई remote sensing, हो गया space, हो गया। एक example है हमारा military, हमने उसके ऊपर ही हमारा model बनाया। जैसे कि ये अगर country है पाकिस्तान और ये हमारी इंडिया, अगर इसके ऊपर ये देखो ये इसने डिटेक्ट कर लिया और इससे हम इसको खुद को सेव कर सकते हैं, और ये पीछे गए देखो बंद हो गया, इससे डिटेक्ट करे तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही में हमला करते हैं। और स्पेस में ऐसे यूज होता है, जैसे कि कोई भी वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ पर पत्थर होते हैं पूरी स्पीड से आता है तो हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम रडार लगाते ताकि हमें उससे पता चल सके भी वो कितनी स्पीड से कब आ रहा है और उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और रिमोट सेंसिंग में ऐसे यूज होता है भी, जैसे रिमोट है और टीवी है वो कैसे चलता है, रडार की वजह से चलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस। सृष्टि, माय सेल्फ फॉर टुडे, आई एम हेल्प विद द पावर मॉडल, सो हमारा मॉडल नेम इज ड्रिप इरिगेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडर्न इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास पानी का टैंक है, ये डीसी मोटर है, हमने डीसी मोटर को बैटरी से अटैच किया, जैसे ही हम इसे चलाएंगे तो पानी के थ्रू हमारा पानी इस नोजल में पहुंचेगा और फिर ये पानी पौधों तक पहुंचेगा, जैसे कि असली बारिश हो रही हो। पर इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और इसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, इसलिए हमने सेकंड इरिगेशन मेथड लिया, ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसमें क्या है, हमारा पानी जैसे ही हम इसको डीसी मोटर को चलाएंगे, हमारा पानी इधर टैंक में ऐसे पहुंचेगा और टैंक में पहुंचकर ये इस पाइप के थ्रू हमारा पानी जाएगा, और ऐसे पौधों में पानी इसमें होल कर रखे हमने पाइप के अंदर, जिससे पानी पौधों तक पहुंचेगा, इसमें पानी वेस्ट नहीं होता और ये कॉस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा कम लगती है।
और इसमें क्या है कि भाई ना इसको सोयल फर्टिलिटी रहती है और इसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद फार्मर्स के लिए है, सबसे ज्यादा मेथड ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज प्रिंस। माय नेम इज मोहित। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो सर, जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है वो हमने एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल पर बनाया। तो हमारा मॉडल कुछ इस प्रकार है, जो हमारी एनर्जी है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी हमारे सोलर पैनल में आ रही है, और जो ये हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी है वो इधर ट्रांजिस्टर से हमारे सर्किट से होकर जा रही है, और ये सर्किट से हमारी ये बैटरी वगैरह सब कुछ चार्ज हो रही है, और इधर कन्वर्टर है, जो कन्वर्टर से हमारी बिजली है वो बल्ब में ग्लो कर रही है, और इसके हमारे ना कई से भी फायदे होते हैं, जैसे कि हमारा घर का गार्बेज वगैरह भी यूज हो जाता है और बिजली का बिल भी कम आता है। आज हमारे बीआरडीएम पब्लिक स्कूल में 6 से लेके 10th क्लास तक के बच्चों के लिए साइंस एग्जीबिशन रखी गई है, जिसके अंदर सभी मॉडल, काफी तरह के मॉडल यहाँ वर्किंग मॉडल बच्चों ने खुद अपने आप बनाए हैं, जो हमारे साइंस टीचर हैं उनकी गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में। और किस तरह के मॉडल बनाए गए हैं? बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक मॉडल बच्चों ने यहाँ पर बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 100 मॉडल्स यहाँ पर हैं, जिन्होंने बच्चों ने बहुत खूबसूरती से बनाया है। अगर मैं मॉडल्स की बात करूं कि आप देख सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल से किस प्रकार से एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और स्पीड ब्रेकर का यूज करके हम किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। चंद्रयान 3 का मॉडल भी यहाँ पर है, रडार की किस तरीके से रडार का हम यूज करते हैं। तो इस तरह के काफी मॉडल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारा यहाँ पर, तो काफी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज यहाँ पर बच्चों ने प्रदर्शित किए हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया कि जो हमारे साइंस टीचर हैं उनके मार्गदर्शन में, उनकी गाइडेंस में साइंस एग्जीबिशन का हमने यह प्रदर्शित किया है, और बच्चों के खुद इनोवेटिव आइडिया हैं और टीचर के मार्गदर्शन से ये सब यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह के एग्जीबिशन से बच्चों में कितना विकास होता है, बच्चे कितना ग्रोथ करते हैं? देखिए, जब बच्चे किसी चीज को स्वयं करते हैं, ये हैंड ऑन एक्टिविटी है। किताबी ज्ञान एक अलग होता है, किताबी ज्ञान जब हम बच्चे पढ़ते हैं तो एक थोड़े से समय तक के लिए ही होता है, लेकिन जब बच्चे ये हैंड ऑन एक्टिविटी करते हैं, अपने आप करते हैं, तो डेफिनेटली बारीकियों का, जो बारीकी उनके बिल्कुल बारीकी ज्ञान है वो उनको पता लगता है, और ये ज्ञान उनके थ्रू आउट लाइफ काम होता है। साइंस क्या है? हमारी लाइफ की हर चीज में साइंस है, छोटी से छोटी एक्टिविटी से लेके बड़ी से बड़ी एक्टिविटी में हमारा साइंस है। हमारा पूरा शरीर एक साइंस का ही एक जीता जागता प्रमाण है। तो बच्चों को साइंस के विषय में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसका सबसे साधन यही है कि बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व हो, और इस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर अपने सूझबूझ से ज्ञान के, विज्ञान के और ज्ञान के मूल को प्रदर्शित किया है।